दोस्तों नमस्कार। भाई बकरियों में बुखार सर्दी के मौसम में तो होता ही रहता है, तो आज के इस वीडियो में ऐसे दो इंजेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा यूनिक है और इनका इस्तेमाल बस करने की देर है, तुरंत ही बुखार डाउन हो जाएगा, तुरंत बकरी ठीक हो जाएगी। दोनों इंजेक्शनों के बारे में अगर आपने कंप्लीट जान लिया किस तरीके से दिलवाना है ये जान लिया, देखो दिलवाना नजदीकी पशु चिकित्सक से ही है, खुद प्रयास मत करना, बस आप जान लीजिए कि किस तरीके से ये काम करते हैं, कितने लगवाए जाते हैं, सारी बातें मैं आज इस वीडियो में जानकारी के तौर पर आपको बता दूंगा। पहला इंजेक्शन भाई देखिए, दर्द सूजन बुखार के लिए हम इसका इस्तेमाल करवाते ही हैं और इसका करना भी पड़ेगा, ये जरूरी है। तो दर्द सूजन और बुखार और उसी के अंतर्गत आ गया ना बुखार, यानी बुखार को तोड़ने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बकरियों में इसको 1 ml 12 से 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से मांस में लगाया जाता है। डोज क्या है, 1 ml प्रति 12 kg पर भी लगा सकते हैं, तो 15 kg बॉडी वेट पर भी लगा सकते हैं। ये पशु चिकित्सक तय करेंगे, भाई कंडीशन ज़्यादा खराब है तो 12 kg पर 1 ml लगा दिया जाता है, 24 kg पर 2 ml है ना, 36 kg पर 3 ml। इसी तरीके से अगर नॉर्मल है तो 15 kg पर भी 1 ml लगा दिया जाता है, 15 kg पर 1 ml, 30 kg पर 2 ml, यानी जितना वजन है उसके अकॉर्डिंग लगा दिया जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है, लगाना मांस में रहता है, मतलब इसको सिर्फ इंट्रा मस्कुलर लगाना है और दिन में एक बार, अगर तकलीफ कम है तो एक बार, बहुत ज्यादा तकलीफ है तो दिन में 2 बार भी सुबह शाम 12 घंटे के गैप से भी इसको रिपीट किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है, दर्द सूजन बुखार पर काम करेगा, लेकिन दोस्तों ये अकेला बुखार में काम नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी इसको लगाया जाता है ये सिर्फ बुखार को रोक सकता है, अभी जो इंफेक्शन चल रहा है ना इंफेक्शन को ये ठीक नहीं कर सकता, इंफेक्शन को ठीक करेंगे ये दोनों इंजेक्शन, लेकिन दोनों नहीं लगाने भाई, आपको दोनों में से एक का चुनाव करना है। पहला इंजेक्शन जिसके बारे में बता रहा हूं वो है इंटासेप्टेजो, जी हाँ इंटासेप्टेजो 562 mg का आता है, और 562 mg वाला जो टेजो है वो भाई आप 20 किलो से लेकर के, मैं यहां से ले लेता हूं 20 किलो से लेकर के और आप 50 kg तक इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, यहां तक कि 60-70 kg तक भी लिख लीजिए, यहां तक भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी 562 mg बकरियों में 20 किलो से लेकर के 70 केजी तक आपके पशु चिकित्सक लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसको घोलना होता है, इसमें एक पाउडर फॉर्म में आती है, दिखाना वो लेना मुझे, उसमें एक तो पाउडर फॉर्म में आती है और एक इसमें आती है आपके वायल, तो पाउडर फॉर्म में आई है वायल और साथ में डिस्टिल वाटर है, तो दोनों को मिला लो, हिला लो और फिर लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसको लगवाया जाता है, ये आपके पशु चिकित्सक सेट कर लेंगे। इंट्रा मस्कुलर लगता है भाई, इसमें लगता है मांस में लगता है, यानी कि इंट्रा मस्कुलर मांस में आपको लगाना है इसको, बस ये ध्यान रखना रहता है। और इस डोज, अब मान लो आपको 15 kg का ये, तो 2 भाग कर लीजिए इसके, यानी 2 मिला करके और 2 में लगा दीजिए, 20 किलो से ऊपर ऊपर है तो पूरा का पूरा 1 में लगा दीजिए, क्योंकि इसकी विडंबना यही है कि ये इसी डोज में आता है, बस इसी में पैकिंग, जो मिनिमम छोटी से छोटी पैकिंग है ना इसकी यही है, बड़े जानवरों के लिए फिर अलग आता है। अब यहां अगर हम बात करें सेकेंड की, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, इसको चलिए हम छोटा कर देते हैं, अगर इसकी हम बात करें ये देखिए, तो इसको कैसे यूज करना है वो भी आप देख लीजिए कंप्लीट। ये क्या है भाई, ये है मोनोसैप, दोनों में से एक ही यूज करना है, एक ही ग्रुप के है दोनों, तो दोनों में से एक ही यूज करना है, तो मोनोसैप को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये भी सेप्ट्रियाजोन है, वो भी सेप्ट्रियाजोन था, लेकिन उसमें सेप्ट्रियाजोन टेजोबैक्टम था और ये प्लेन है, ये सब जगह मिल जाता है, इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि ये सब जगह मिल जाता है, वो सब जगह मिलता नहीं है, तो सब जगह मिल जाता है तो इसको लगाना कितना है, देखिए ये 1 ग्राम में भी आता है, कितने ग्राम का आता है भाई, 1 ग्राम का भी आता है, तो ये 500 mg में भी आता है, चलिए तो ये 250 mg में भी आता है, यानी सभी कैटेगरी में ये मिलता है। 1 ग्राम वाला जो है उसको 25 kg से ऊपर लगाया जाता है, 25 केजी से ऊपर जितने भी है उनको 1 ग्राम लगा दिया जाता है, और ये 500 mg जो है वो 10 केजी से लेकर के और 25 केजी तक
लगा सकते हैं। और 250 mg जो है इनसे 10 kg से जो छोटे हैं 5 किलो 6 किलो 7 किलो उनको 250 mg वाला लगवा दिया जाता है। ये भी मास में ही लगता है। बस फर्क आपको यही ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक का अच्छा असर लेने के लिए इसको लगातार 3 दिन तक लगवाया जाता है, उसी से सारा मामला कवर हो जाता है। और अगर कोई मान लीजिए बकरी दूध दे रही है तो वहाँ इन दोनों से काम नहीं चलेगा, वहाँ फिर हमें बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन भी यूज़ करना रहता है, तो CPM इंजेक्शन भी लगाना रहता है। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा बुखार रहता है तो वहाँ के लिए अलग बी कॉम्प्लेक्स आता है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और ये सारी जानकारियाँ जो है ना वो हम हमारे ऑनलाइन सेशन में भी लेते हैं। एक नंबर आप नोट कर लीजिए, अगर आप हर महीने 1 तारीख से होने वाली ऑनलाइन A to Z ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 9829430050 ये वो नंबर है जिन पर आप व्हाट्सएप करके और A to Z ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। गॉट ट्रेनिंग जिसमें ऑल ओवर ट्रीटमेंट्स की बातें होती है।